दुनिया के सबसे जहरीली सांप के बारे में आपको जानकारी होगी, मगर क्या आपको पता है दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप के बारे में? यह वीडियो में मैंने बताया है। दुनिया के सबसे घातक सांप के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। सबसे पहले नंबर पर आता है अंतर्देशीय ताइपन। अंतर्देशीय ताइपन दुनिया का सबसे घातक और सबसे जहरीला सांप है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला अंतर्देशीय ताइपन गहरे रंग के किनारों के साथ गहरे भूरे रंग का होता है। इसमें सभी सांपों का सबसे जहरीला जहर होता है। अंतर्देशीय ताइपन के जहर में एक काटने में 100 जितने इंसानों को मारने की क्षमता होती है। दूसरे नंबर पर आता है कोस्टल ताइपन। कोस्टल ताइपन ऑस्ट्रेलियाई बाहरी इलाके में पाया जाने वाला एक और घातक सांप है और अपनी अविश्वसनीय गति के लिए जाना जाता है। कोस्टल ताइपन प्रतिक्रिया करने से पहले अपने शिकार को कई बार काटता है। यह हल्के जैतून से लेकर गहरे भूरे रंग का होता है, लेकिन उसकी आंखें लाल होती है। कोस्टल ताइपन का शरीर लंबा पतला है। तीसरे नंबर पर आता है किंग कोबरा। किंग कोबरा दक्षिण एशिया का मूल निवासी है। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है। किंग कोबरा का काटना इतना शक्तिशाली होता है कि यह कुछ ही घंटों में एक हाथी को मार सकता है। यह लंबाई में 18 फीट तक बढ़ सकता है। एक किंग कोबरा के काटने से 15 मिनट में एक इंसान की मौत हो जाती है। चौथे नंबर पर आता है बैंडेड क्राइट। दुनिया में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले सांपों में से एक है बैंडेड क्राइट, और यह सांप रात के दौरान हमला करता है। ब्रांडेड क्राइट में एक अत्यंत घातक विष होता है जो श्वसन की मांसपेशियों को पंगु बना देता है, डायाफ्राम को हिलने से रोकता है और परिणाम स्वरूप दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। अब पांचवें नंबर पर आता है सॉक स्केल्ड वाइपर। सॉक स्केल्ड वाइपर मारने वालों की संख्या के मामले में सबसे घातक सांप है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संयुक्त रूप से अन्य सभी सांप प्रजातियों की तुलना में अधिक मानव मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। सॉक स्केल्ड वाइपर अफ्रीका, मध्य पूर्व और भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में पाया जाता है। सॉक स्केल्ड वाइपर सबसे डरावने और सबसे आक्रामक सांपों में से एक है और अपने शरीर को रगड़कर तेज सिजलिंग ध्वनि पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। सॉक स्केल्ड वाइपर आकार में छोटे होते हैं और काटने में केवल थोड़ी मात्रा में जहर इंजेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में एक इंसान को मार सकते हैं। छठे नंबर पर आता है ईस्टर्न ट्राइगल स्नैक। ईस्टर्न ट्राइगल स्नैक दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है और अपने पीले और काले शल्कों के साथ बाघ जैसा दिखता है। यह सभी सांपों में सबसे घातक जहरों में से एक है और काटने के बाद सिर्फ 15 मिनट में जहरीला हो सकता है। सांप का जहर एक न्यूट्रोनॉक्सिन की तरह काम करता है और कष्टदायी दर्द, झुनझुनी, सुन्नता और बाद में सांस लेने में कठिनाइयों का कारण बनता है। सातवें नंबर पर आता है रसेल वाइपर। रसेल वाइपर भारतीय उपमहाद्वीप का सांप है और भारत में चार बड़े सांपों में से एक है। रसेल वाइपर हर साल हजारों लोगों की मौत का कारण बनता है। रसेल वाइपर का एक गोल और मोटा शरीर होता है जिसकी पूंछ छोटी होती है और उसकी लंबाई लगभग 4 से 6 फीट होती है। रसेल वाइपर अपने काले और भूरे रंग के कारण छलावरण करने में सक्षम है और अक्सर खेतों में छिपकर किसानों पर हमला करते हैं। रसेल वाइपर का जहर अत्यधिक शक्तिशाली होता है। रसेल वाइपर के जहर में एक बार काटने में 22 जितने इंसानों को मारने की क्षमता होती है। रसेल वाइपर सांप के काटने के कुछ घंटों के भीतर विष, तीव्र रक्तस्राव, डिफिब्रिनेशन, रक्तस्राव, सदमा का कारण बनता है। आठवें नंबर पर आता है फेयर डी लांस। फेयर डी लांस दक्षिण अमेरिका का सबसे खतरनाक सांप है। फेयर डी लांस ज़्यादातर जंगलों में पाया जाता है। फेयर डी लांस लगभग 4 से लेकर 7 फीट लंबा होता है और अत्यधिक आक्रामक माना जाता है। फेयर डी लांस के पास भाले के आकार का सिर और हीरे के आकार के धब्बों वाला एक लंबा भूरे रंग का शरीर है। फेयर डी लांस का जहर कुछ ही मिनटों में प्रभावी हो जाता है और शरीर काला पड़ जाता है। नौवें नंबर का सांप बूम स्लैंग। बूम स्लैंग एक बड़ा अत्यंत विष वाला सांप है। बूम स्लैंग अफ्रीकी महाद्वीप में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बूम स्लैंग दक्षिण अफ्रीका,
स्वाजीलैंड, नामीबिया और जिम्बाब्वे जैसे दक्षिण देशों में पाया जाता है। बूमस्लैंग की बड़ी आंखें, चमकीले रंग का शरीर और अंडे के आकार का सिर होता है। बूमस्लैंग नर आमतौर पर नीले या काले रंग के किनारों के साथ हरे रंग के होते हैं, जबकि मादाएं अक्सर भूरे रंग की होती है। बूमस्लैंग सांप अपने जहर का छिड़काव नहीं करता है। बूमस्लैंग शिकार को तब तक चबाता है जब तक वह मर नहीं जाता। बूमस्लैंग का जहर एक हेमोटॉक्सिन है जो लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और शरीर के प्रत्येक छिद्र से मृत्यु तक गंभीर आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव का कारण बनता है। दसवें नंबर का सांप ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा अफ्रीका के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। ब्लैक मांबा दुनिया के सबसे लंबे और सबसे तेज सांपों में से एक है। ब्लैक मांबा लंबाई में 14 फीट तक बढ़ सकता है और 12.5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग सकता है। ब्लैक मांबा का बड़ा आकार उनकी चपलता के साथ मिलकर उन्हें घातक शिकारी बनाता है। ब्लैक मांबा में हल्के भूरे या भूरे रंग की त्वचा होती है। ब्लैक मांबा का जहर प्रकृति में न्यूरोटॉक्सिक होता है और बहुत तेजी से काम करता है। एक संक्रमित व्यक्ति पहले तीव्र दर्द का अनुभव करता है और एक घंटे के भीतर कोमा में चला जाता है। ये होता है ब्लैक मांबा का असर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में बताया दुनिया के 10 सबसे घातक सांपों के बारे में। और आखिरी कुछ बात बता देता हूँ, सांप सबसे ज़्यादा रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अफ्रीका दुनिया के अधिकांश खतरनाक और विषैले सांपों का घर है। आपको ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आखिर में लाइक कर दीजिए। अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।